किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपने किसान कर्ज माफी की तो बहुत सी खबरें सुनी होंगी, लेकिन बात ये आती है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का, जो प्राइवेट बैंकों से जिन किसानों ने देश के किसी भी कोने में केसीसी कार्ड बनवा रखा है और वो कर्ज माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका क्या होगा। क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा जो सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंकों के कुछ किसानों के 50,000 रुपये तक के कर्ज माफ़ किए हैं, उनको सर्टिफिकेट भी मिले हैं। लेकिन बात तो ये आती है, बहुत से किसानों का कमेंट में कहना है कि हमारा भी कर्ज माफ़ किया जाए। दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में बनी, जहाँ हम सभी किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। लेकिन इसमें सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ नहीं किया गया, केवल कोऑपरेटिव और सहकारी बैंकों में किया गया। तो उन सभी किसान भाइयों का कहना है कि हम अगर आप हमारा संपूर्ण कर्ज माफ़ या 2 लाख रुपए तक का राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंकों का कर्ज माफ़ करोगे तो आगे आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बैठक में कृषि विभाग, वित्त विभाग और बैंक से जुड़े कई लोगों को शामिल किया गया, जिसमें इस मकसद से चर्चा किया गया कि राज्य के किसानों द्वारा लिया गया सर्वाधिक लोन, अगर बात करें तो ये किसान क्रेडिट कार्ड से लिया गया है। तो बात ये भी आती है कि किसान क्रेडिट कार्ड का लिया गया लोन किसानों का जल्दी माफ़ किया जाए। सरकार द्वारा अपने बजट में छोटे और सीमांत किसानों के लिए नई जो की गई ऋण माफ़ी की घोषणा जल्द लागू हो सकती है। झारखंड सरकार द्वारा किसानों के ऋण माफ़ी के लिए अपने बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दोस्तों, राज्य में नेपाल हाउस सचिवालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने पत्र लेख किया, जिसमें बताया कि ये स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल किसानों के 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ़ किया जाएगा, और जिन्होंने किसानों को 50,000 रुपए से ज़्यादा है उनका, देखिए आप इस पर देख सकते हैं, उन्हें शेष राशि उन्हें चुकता करनी पड़ेगी। यानी कि सरकार तो केवल 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ करेगी, बाकी छोटे और सीमांत किसानों के लिए की गई ऋण माफ़ी की घोषणा हो सकती है। तो 50,000 से अधिक जिन किसानों ने कर्ज ले रखा है उनका भी सरकार माफ़ करे, ये किसानों का कहना है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे आपकी बात आगे तक पहुँच सके और सभी किसानों का कम से कम 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ़ हो सके। धन्यवाद।